उधर सवाल उठ रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच के रिश्तों को लेकर भी। सीमा हैदर की तरह पिछले काफी समय से उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके सफाई कर्मचारी पति आलोक मौर्य भी चर्चा में बने हुए। ज्योति मौर्य का उनके पति का विवाद पूरे देश ने देखा। आलोक मौर्य के मुताबिक उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति का संबंध होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ है और दोनों मिलकर उन्हें जान से मारने की साजिश रच रहे थे। इन आरोपों पर अभी तक ज्योति मौर्य की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, लेकिन अब ज्योति मौर्य भी खुलकर सामने आ गए। एसडीएम ज्योति मौर्य ने एक इंटरव्यू में आलोक मौर्य और मनीष दुबे पर खुलकर बात की है। जिस इंटरव्यू में दावा किया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति पर बड़ा खुलासा किया है। आलोक मौर्य ने सेटलमेंट के लिए क्या शर्त रखी थी, ज्योति मौर्य ने इस इंटरव्यू में बताया है। ज्योति ने मनीष दुबे के साथ अफेयर पर बड़ी बात कही है। पति पत्नी की यह लड़ाई अब व्यक्तिगत हो गई है। आलोक मौर्य तो लगातार मीडिया में अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ज्योति मौर्य का पक्ष लोग जानना चाहते हैं कि वो इस पूरे विवाद पर क्या सोचती है। आज आपको एसडीएम ज्योति मौर्य का पक्ष भी सुनाता हूं। एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक के आरोपों का न सिर्फ जवाब दिया बल्कि कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। ज्योति मौर्य ने कहा है कि आलोक मौर्य ने उनका व्हाट्सएप 10 महीने तक हैक करके रखा था। एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि आलोक मौर्य के पास उनकी प्राइवेट तस्वीरें हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के मुताबिक आलोक के पास उनके विभाग के कई गोपनीय डॉक्यूमेंट है। आलोक पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो और भी चीजें वायरल कर सकता है, ये उनकी पत्नी आरोप लगा रही। अब सवाल उठता है कि अगर ज्योति मौर्य को पता है कि 10 महीने से उनका फोन हैक था तो उस 10 महीने में उन्होंने फोन क्यों नहीं बदल लिया, उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की, उनको अब कैसे पता चल रहा है कि दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स उनके विभाग के आलोक के पास हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य बार बार आरोप लगा रहे हैं कि ज्योति मौर्य ने उनके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस किया है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। इस आरोप पर ज्योति मौर्य ने कहा कि आलोक मौर्य के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एप्लीकेशन दी गई थी। एप्लीकेशन में ज्योति मौर्य ने खुद को जान से मारने की धमकी देने की बात कही। व्हाट्सएप हैक करने पर आलोक के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हुआ है, वो इस पर भी खुलासा कर रही है। एप्लीकेशन में एसडीएम ज्योति मौर्य ने बताया कि आलोक पैसे और सुविधाओं की मांग करता था। इसके बाद पुलिस ने दहेज उत्पीड़न की धाराएं लगा दी। एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि उनकी शादी को 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए दहेज उत्पीड़न की धाराएं हट जाएंगी। एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि उन्होंने दहेज उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया है। हालांकि दहेज उत्पीड़न के इसी मामले को लेकर ज्योति मौर्य फंस भी सकती है, क्योंकि शादी के 7 साल बाद दहेज उत्पीड़न का केस नहीं किया जा सकता और आलोक मौर्य इसी बात को कोर्ट में उठाकर ज्योति मौर्य पर जबरदस्ती परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक का विवाद मीडिया के सामने आने के बाद आलोक कई बार समझौते की बात कर चुके हैं। आलोक मौर्य ने कहा था कि वो अपनी बेटियों के लिए समझौता करने को तैयार है। इस पर एसडीएम ज्योति मौर्य ने आलोक के सेटलमेंट की शर्तों के बारे में बताया कि भाई वो किन शर्तों पर सेटलमेंट को तैयार है। एसडीएम ज्योति मौर्य के मुताबिक सेटलमेंट के लिए आलोक 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, ये वो दावा कर रही है। इसके अलावा प्रयागराज के झलवा इलाके का घर और फॉर्च्यूनर गाड़ी भी आलोक ने मांगी है, ये एसडीएम ज्योति मौर्य का दावा है। आलोक का परिवार भी सुविधाओं की डिमांड कर रहा है। आलोक मौर्य के सेटलमेंट प्रस्ताव को एसडीएम ज्योति मौर्य ने नहीं माना और आलोक से अलग होने के लिए डिवोर्स केस कर दिया, जिसकी पहली तारीख 11 जुलाई को थी, लेकिन खुद ज्योति मौर्य कोर्ट में नहीं पहुंच पाई थी। आलोक मौर्य का यह आरोप भी है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति को उनके सफाई कर्मी होने से दिक्कत होने लगी थी, इसीलिए ज्योति उनको छोड़ना चाहती है। इस पर एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपना पक्ष रखा। एसडीएम ज्योति मौर्य ने कहा कि आलोक के सफाई कर्मी होने से उन्हें कोई परेशानी नहीं, आलोक और उनके परिवार के लगातार पैसों की डिमांड से वो परेशान है। शादी के समय आलोक के घर वालों ने कहा था कि आलोक ग्राम पंचायत अधिकारी है। एसडीएम ज्योति दावा कर रही है कि उनके परिवार को पता ही नहीं था कि आलोक सफाई कर्मचारी है। आलोक बार बार खुद को सफाई कर्मी बताकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, ये ज्योति मौर्य दावा कर रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर के आरोप पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मनीष के बारे में कोई सफाई नहीं देनी है, अगर कोई किसी के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो इसमें क्या बुराई है। मनीष का आर्य समाज मंदिर में शादी का एक मामला है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। मनीष का नाम लेकर आलोक बार बार खुद को पीड़ित की तरह दिखा रहा है। यानी ज्योति मौर्य पूरे तरह से इस मामले में आलोक को जिम्मेदार बता रही हैं और उनके हिसाब से आलोक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और सेटलमेंट के लिए बड़ी रकम की मांग कर रहे हैं। अब सच क्या है, आलोक अपना पक्ष रखेंगे तब पता चलेगा।